सो हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड फ्रेंड मतलब आसी बैक है विद अ ब्रांड न्यू। सब कैसे हैं डिलीवरी ने कमेंट्स में। सो यार, जैसे कि आप लोगों को पता है मुल्क की सिचुएशन ये है कि लाइक नॉन पीटीए फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा रुझान में रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा नॉन पीटीए फ़ोन्स खरीद रहे हैं। और यार ठीक है, मतलब कि हुकूमत ने पहले पॉलिसी निकाली कि एक पासपोर्ट के ऊपर आपका फ़ोन रजिस्टर हो जाएगा जब आप बाहर से आओगे, लेकिन वो भी ख़त्म कर दी और आपको अपने पर्सनल फ़ोन पर भी टैक्स पे करना पड़ा है, विच इज़ अ बैड थिंग। मैं इसको बहुत बुरी चीज़ मानता हूँ। इसके अलावा इम्पोर्ट्स पर भी पाबंदी लग गई है, फ़ोन आ भी नहीं रहे, थोड़े मसले चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा थोड़ी इस सिनेरियो के बारे में और थोड़ा आपको ये बताऊँगा कि क्यों आपको पाकिस्तान में नॉन पीटीए फ़ोन खरीदने चाहिए। एंड सेकेंडली रीज़न ये है कि आपको पाकिस्तान में रहते नॉन पीटीए फ़ोन में आप सिम कैसे चला सकते हैं। मैं कुछ तरीके बताऊंगा जो अच्छे सही तरीके होंगे और उनसे आप फोन में सिम चला सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस। सो गाइस, सबसे पहले तो यार सिनेरियो कुछ ये है कि जब भी फ़ोन बाहर से आप लेकर आते हो, किसी के लिए बेचारे लेके आ रहे हो, वो आपको पीटीए अप्रूव करवाना पड़ेगा। अब ये बहुत ही गलत सी चीज़ है, मैं अजीब से मुझे लग रही है। लाइक अब आप पहले क्या होता था कि लोग बाहर से फ़ोन ले आते थे, सस्ते मिलते थे, तो अपने कज़न के लिए भाई के लिए आते थे, लेकिन अब वो लेके आएंगे तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ऐसे किसी भी कंट्री में नहीं होता कि ऐसा टैक्स पे करो फ़ोन बाहर से लेके आओ। तो अब ये है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो नॉन पीटीए फ़ोन होता है इसके अंदर सिम वर्क नहीं करती, ठीक है, बाकी सब चीज़ें चलती हैं। आजकल आपको पता है हर बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों के थ्रू और सबसे लोग तो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो सिम के बगैर भी फ़ोन में चल जाता है। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिनके थ्रू आप बगैर सिम के एक नॉन पीटीए फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिम भी चला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई जो आसान हाल है, जो थोड़े महंगे हाल है पहले वो बताता हूँ, फिर जो सस्ते हाल है वो बताता हूँ। सबसे पहले भाई पहला हाल ये है कि एक डिवाइस मिलती है, वो इतनी सी डिवाइस होती है, वो तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये की डिवाइस है, वो परमानेंटली उस पर सिम डल जाती है और वो ब्लूटूथ आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है और उसमें फिर एक नया डायलर आ जाता है और उससे आप डायल कर सकते हो, कॉल और रिसीव भी कर सकते हो एक नॉन पीटीए फ़ोन में। वो डिवाइस आपको हर वक्त पास रखती है, वो छोटी सी होती है, इतनी ज़्यादा भारी होती भी नहीं है। सेकेंड हल है, एक सिम आती है जिसका नाम होता है एसकॉम की सिम, ठीक है, वो पहाड़ी इलाकों के लिए होती है, वो कहीं से मतलब गाड़ ढूंढने से मिलती है, वो आम दुकानों पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो ठीक है, वो सैटेलाइट के थ्रू आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। तो वो सिम आपके फ़ोन में इजीली चल जाएगी अगर आपका फ़ोन नॉन पीटीए है तो, ठीक है। अब इसके बाद मजीद सस्ते हलों की बात करते हैं। तो देखो भाई, जैज़ की छोटी सिम आती है, हॉटस्पॉट, आप उस पे वाईफाई लगा सकते हो, अपने फ़ोन को वाईफाई दे सकते हो। और उसके बाद आप एक छोटा फ़ोन ख़रीद सकते हो जो जैज़ का या फिर कुछ इस तरह के कंपनीज़ का एक फ़ोन आता है जो हॉटस्पॉट भी दे सकता है। आप मार्केट में जाओ, कहो भाई हॉटस्पॉट वाला फ़ोन चेक कराएं, बटनों वाला, वो हॉटस्पॉट भी दे सकते हैं, वो सस्ता ऑप्शन आपके लिए। लेकिन अगर आप एक नॉन पीटीए फ़ोन रख रहे हो और कोई आपको इतना मसला नहीं है, तो आप 8-10 हज़ार में एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन रख सकते हो जो आपको कम अज़ कम हॉटस्पॉट भी देगा, उस सिम भी चला लेगा, उस पर आप कॉल वाला भी सारी कर सकते हो। इसी तरह अगर आप 13 ले रहे हो या फिर 12 ले रहे हो या फिर 11 ले रहे हो या फिर आईफोन की बात कर रहा हूँ, तो वो लेने के बाद आप क्या कर सकते हो कि एक्चुअली में आप एक सस्ता एंड्रॉइड फ़ोन ले सकते हो 10-15 हज़ार रुपये का, टैक्स से बेहतर ही ऑप्शन है, टैक्स 50-60 हज़ार रुपये टैक्स है। तो आप एक सस्ता ऑप्शन वाले 10-15 हज़ार रुपये फ़ोन की तरफ जा सकते हो, या फिर 20-25 हज़ार रुपये में एक अच्छा एंड्रॉइड फ़ोन मिल जाता है, सिम भी चला लेगा आपकी, आपके एज अ पावर बैंक यूज़ हो जाएगा, एज अ बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो एक नॉन पीटीए। मैं मशवरा आपको यही दूंगा कि आप एक आईफोन अगर ले रहे हो तो एक नॉन पीटीए आईफोन ले लो, या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान में फ़ोन्स के जो नॉन पीटीए मिलते हैं, जैसे कि वन प्लस के फ़ोन नॉन पीटीए मिलते हैं, सोनी के फ़ोन नॉन पीटीए मिलते हैं, शार्प के फ़ोन नॉन पीटीए मिलते हैं, तो बहुत सारी कंपनी के फ़ोन आपको पाकिस्तान में नॉन पीटीए में ही मिलते हैं, फिर वो टैक्स पे होता है। गूगल के फ़ोन भी नॉन पीटीए मिलते हैं, तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप एक नॉन पीटीए फ़ोन खरीद रहे हैं तो मैं आपको मशवरा ही दूंगा कि साथ कोई ऐसी चीज़ रख लें या तो हॉटस्पॉट दे सके या तो सिम चला सके। ये वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल का बेल आइकन दबाइएगा। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।